बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम। हाँ जी, आप मुझे बताओ जरा, आप लोगों का क्या इशू था? रामीन, आप कल क्या कह रहे थे? मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है मैम अभी भी? रिमशा, सॉरी रिमशा कह रही थी कल रामीन ने। मैम मैं यही कह रही थी कि 12 से 1 ना मुश्किल है। एक तो कुछ री एनरोलमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, ऊपर से हम मॉर्निंग है ना, तो पिछले टाइम हमने अकेडमीज वगैरह ट्यूशन वगैरह पढ़ानी होती हैं, तो काफी बच्चों का इशू है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि अगर बस एक ही थर्सडे वाली क्लास का इशू है, अगर हम ये क्लास वीकेंड पे रख लें। पता है क्या बच्चे, मुझे क्लास वीकेंड पे रखने का इशू नहीं है, लेकिन ना इस दफ़ा यूनिवर्सिटी वालों से की तरफ से हो रही है चेकिंग। अभी तो मैंने उनको ये भी नहीं बताया कि मैंने थर्सडे वाली जो क्लास है वो मैं 8 से 9 नहीं ले रही, वो मैं 12 से 1 ले रही हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने उनको ये भी नहीं बताया, जो सही बात है। तो वीकेंड पे लूँगी तो वो ये ना हो कि वो मेरे लिए या आप लोगों के लिए कोई मसला बन जाए, ये बात है सारी। क्योंकि आप लोगों की जो मीटिंग के लिंक्स हैं ना, ये इस दफ़ा यूनिक है। अगर आप लोगों ने नोट किया हो कि आप लोग हमेशा उसी लिंक से मीटिंग ज्वाइन करते हो, और ये लिंक हमने यूनिवर्सिटी वालों को भी प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो अब सुबह 8 से 9 मैंने उनको अभी नहीं बताया हुआ कि मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले रही। हो सकता है सुबह 8 से 9 उनका कोई बंदा मुझे चेक करता हो, तो अभी मैंने उनको इन्फॉर्म करना है। अब मुझे ये इशू है कि मंडे को आप लोगों का कोई टाइम ही नहीं फ्री, बाकी देखना यस मैम, पड़ेगा। यही मसला है ना। फ्री सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे को हम हैं, वो भी हम सब नहीं है। मतलब कि 12 बजे हमारा इस तरह ना, इस दफा के अप्लाइड की और प्योर की एक टाइम पे क्लास नहीं है कि लाइक आधे बच्चे प्योर, जो अप्लाइड के हैं वो अप्लाइड की क्लास ले रहे हो, जो प्योर के हैं वो प्योर के। इस तरह है कि आज 11 से 12 अप्लाइड वालों की कोई क्लास नहीं थी, लेकिन प्योर वालों की थी। तो इस तरह इस दफा टाइम टेबल सेट हुआ हुआ है, वरना हम 11 से 12 ही रख लेते। नहीं तो आप लोग जो ट्यूशंस पढ़ाते हो वो कितने बजे पढ़ाते हो? 12 बजे पढ़ाना शुरू कर देते हो? ट्यूशंस तो शाम को नहीं होती? मैम होम ट्यूशन भी है और अकेडमीज भी है। हाँ तो वो तो शाम को नहीं होती सारी? नहीं मैम, मतलब कि स्केड्यूल वगैरह सेट किया हुआ है, जिस तरह बच्चों का है कि कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एक दिन आना है और एक दिन उनकी छुट्टी है, तो उसी हिसाब से फिर उनका स्केड्यूल सेट हुआ हुआ है। मैम जैसे मैं हूँ ना, तो मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, और मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ा रही हूँ। तो कितने बजे पढ़ाना होता है? मैम वो 12 बजे, 12 बजे से पहले ही आ जाते हैं, लेकिन 12 बजे मैंने स्टार्ट करना होता है, उससे पहले मेरी अपनी क्लास होती है। एंड देन मैम हमने एकेडमी भी जाना होता है। या तो फिर 8 से 9 वाला ही, वही फिर पीछे बच जाता ऑप्शन, और तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्योंकि वीकेंड पे मैं कर नहीं सकती, क्योंकि हमें अलाउ ही नहीं है कि आप वीकेंड पे हम क्लासेस ले सकें। इस दफ़ा पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा सख्ती हो रही है कि हम लोग आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। चलो मैम फिर इस तरह कर लेंगे, थर्सडे वाला थोड़ा लेट कर लिया करेंगे, आधे घंटे की सिर्फ क्लास कर लिया करेंगे, अगर मतलब मसला होता भी है तो। क्लास कर आधे घंटे की नहीं, या तो एग्जैक्टली मैं 12 बजे स्टार्ट करूँ, क्लास की लिमिट 30 मिनट्स होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्लास कंसीडर नहीं होगी। यस मैम, 30 मिनट्स मैंने भी यही कहा है कि तकरीबन आधे घंटे की और हमारी क्लास कर लें। देखो ना, आप लोग भी आज तो खैर सारे फॉरेन आ गए हो, सबने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, लेकिन पहले ऐसे होता है अक्सर ही कि मैं रिकॉर्डिंग तब स्टार्ट करती हूँ जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ गए होते हैं, ताकि रिकॉर्डिंग में उनके नेम्स आ जाएं। ठीक है ना, यस मैम, अभी देखो 42 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आज मैंने शायद 1 मिनट बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है इसकी, वरना लेक्चर की मैं शुरू कर दूँ तो शुरू में इतना ज़्यादा वो आ जाता है, पॉज आ जाता है, खाली रिकॉर्डिंग आ जाती है। ये मसला है, एक मसला नहीं है ना। या तो ये है कि 12 बजे का अगर टाइम है तो एग्जैक्ट 12 बजे स्टार्ट कर दिया जाए, मैं बोलना शुरू कर दूँ, बस जितना आप लोगों ने सुन लिया सुन लिया। बाद में ये है कि अब जैसे अभी तो मैं, क्योंकि सब कुछ जनरली चल रहा था, तो मैं यूट्यूब पे तो कुछ भी अपलोड नहीं कर रही थी, तो यस ये है कि मैम, जिनका जो मिस हो जाएगा वो यूट्यूब से सुन लिया करें, ऐसे कर लिया करें। मतलब क्लास में आ जाओ बेशक 5-10 मिनट, जैसे मैं 12 बजे लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ और मैं बोलना शुरू कर दूँ,
इस दफा जरा स्ट्रिक्टनेस हुई है ना, ये इस वजह से सारा इशू है, वरना लास्ट सेमेस्टर में हम लोग ये करते रहे कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लेती थी और मैं यूट्यूब पे अपलोड कर लेती थी, बच्चे खुद ही सुन लेते थे। यस मैम, यही बात है कि लास्ट टाइम तो हमें रिकॉर्डिंग्स भी शेयर हो जाती थी, हम टीचर्स के साथ टाइम मैनेज कर लेते थे, अगर एक वीक में क्लासेस मिस हो जाती थी तो एक दिन में वो कवर कर लेते थे, काफी बिल्कुल मतलब यही कि बात है। मैं और ये बड़ा आसानी थी टीचर्स के लिए भी कि एक दिन में 3 क्लास लिए आधे आधे घंटे की और फारे। यस मैम, इस दफा काफी मसला हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वाकई वो लोग चेकिंग करेंगे या नहीं करेंगे या सिर्फ डराने के लिए कर रहे हैं। आप लोगों को भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि चेकिंग होगी या कुछ? मैम टीचर्स को आई होंगी, हमें तो नहीं, हमें इतना पता है कि एचओडी सर को लिंक जाता है। हाँ वो ये लिंक तो है ना उनके पास, हमारी क्लासेस का लिंक है उनके पास। हमने प्रॉपर आप लोगों की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले ही हम लोगों ने लिंक जनरेट करके तो उनका एक्सेल फाइल फॉरवर्ड कर दी थी। अब वो आगे उनकी मर्जी है, वो चेक करते हैं नहीं करते। अब वो चेक करें ना करें, लेकिन उन्होंने वो उधर भी भेजा हुआ है ना, आईटी वालों को भी भेजी हुई है फाइल्स। वैसे मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी में एक टाइम पे एक टाइम टेबल मतलब देखा जाए तो पता नहीं कितनी क्लासेस हो रही होंगी, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने बच्चे हैं। अब पता नहीं हर एक को चेक कर सकते हैं वो कि नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सेफ साइड आपको अपनी रखनी चाहिए हमेशा। रहा है ना कि 5th सेमेस्टर में ना टोपोलॉजी में काफी बच्चों की री इनरोलमेंट है वो क्यों? मैम। टोपोलॉजी पता नहीं कि डी है, ज्यादातर बच्चों का डी है, वो डी को इम्प्रूव कर रहे हैं, एफ भी था टोपोलॉजी पढ़ाई किसने भी? तो मैम। मैम साइमा परवीन ने पढ़ाई थी टोपोलॉजी तो, लेकिन मैम सब्जेक्ट तो आसान था, लेकिन शायद वो हमने सर पे ज्यादा सवार कर लिया था, उसकी टेंशन ज्यादा ले ली थी, मिड में नंबर कम आए थे तो उसका प्रेशर ले लिया हुआ था, तो वो काफी बच्चे उसकी उसमें भी ना इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो अब मैं अब उसको आप उसका आपको टाइम टेबल भी सेंड कर लूंगी, उसकी क्लास होती है थर्सडे को 12 से 1। आप ऐसे करो ना, मुझे उन बच्चों जिन्होंने इनरोलमेंट कराई हुई है ना उनके नाम भेज दो, ठीक है? वो बेशक चलें थर्सडे ठीक को है, 12 से 1 ना लें उनको, चलो सही, ठीक है? उनका जो मिस होगा वो मैं कोशिश करूंगी कि रिकॉर्डिंग वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूं लेक्चर, लेकिन मैं जरूरी नहीं है कि मैं टाइम पे अपलोड कर सकूं कि नहीं, क्योंकि मेरा अपना हिसाब किताब वो वाली क्लास वो वीकेंड पे ले लिया करेंगे, लेकिन उसी वीक में रिपोर्ट कर देते हैं। हाँ वो मैं पूरी कोशिश, ये तहजीब में कुछ कहना है? देते माइक को गया पता। बस मैम, हाँ बाकी तो कोई इशू नहीं है, बस एक ही क्लास का इशू था, हम कर लेंगे इंशाल्लाह मिलके। ठीक वो तो सही है। चलो थर्सडे वाली क्लास के लिए थोड़ा सा मैं अटेंडेंस का भी, लेकिन यही ना ना हो कि रिकॉर्डिंग में बिल्कुल ही पार्टिसिपेंट 10-12 शो हो रहे हो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा मैम। हाँ जिसका वैलिड रीजन है उसकी अटेंडेंस की खैर है, ठीक है? चलें ठीक लेकिन है मैम, हाँ उसमें अभी तो मैंने जब बताना है कि मैं 12 से 1 ले रही हूँ तो वो पता नहीं क्या होना है, मानते नहीं है सर की, नहीं मानते। पहले मैं उनसे भी बात करके देखूँ। यस मैम ये देख लें, अगर वैसे मैम डिपार्टमेंट वालों ने तो यही कहना है सबसे पहले आपको कि टाइम पे क्लास लें, लेकिन अगर तो फिर तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह कोऑपरेट आपके साथ, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो तो ठीक है, और देखो ना लाइट मेरी इधर अभी भी गई हुई है। अब वो मुझे रात को लैपटॉप भी चार्ज नहीं आ मेरा, अब देखो मेरा लैपटॉप पता नहीं कब बंद हो जाए। अब रिकॉर्डिंग कितनी हो गई होगी बाकी? यस मैम, थर्सडे को लाइट का भी इशू है काफी हाँ एरियाज में। बहुत ज़्यादा इशू है कुछ एरियाज में। चलो मैम कोई नहीं, हम रिकॉर्ड कर लिया करेंगे, और ये वाली क्लास, ये वाला जो थर्सडे वाला लिंक होगा ना, ये आप अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पे। या थर्सडे में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमने मंडे ट्यूसडे को पढ़ाया जो या जो पिछले वीक में पढ़ा है बस उसी को दोबारा रिवाइज कर लिया करेंगे, नई कोई चीज़ नहीं पढ़ा करेंगे, ऐसे कर लेंगे। यस मैम यही कह कि बाकी दिन हम इससे थोड़ा ज्यादा से बस कवर कर लें, और इस दिन हम डिस्कस कर लें चला। सिलेबस की मुझे कोई टेंशन नहीं है और आप लोग तो भी टेंशन ना लो, ठीक है ना? सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी, यस मैम, बहुत टाइम पड़ा है अभी। यस मैम, चलें ठीक है मैम। अच्छा उस दिन मैम ये मैंने, तो बेस्ट है फिर। हाँ और क्या कहते हैं उसे, उस दिन मैंने आप लोगों को भी काम दिया था, मेरा ख्याल है 3-4-5 पेज पढ़ने को कहा था आप लोगों को, कहा था कि एमएससी वालों को कहा था?
एक तो मैं सबको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैंने किसको क्या काम दिया था, कोई पीछे है कोई आगे है। मैम 1 2 3 पेज का एक कहे थे अच्छा आपने? आप लोगों को 1 2 3 का था, एमएससी वाले थे जिनको 4 5 6 का। हाँ जी पढ़ा था 1 2 3। यस मैम पढ़ा है। है तो पता भी होना चाहिए, सारी जो चीजें हम ऑलरेडी सेट्स में डिस्कस कर चुके हैं जी वही वही है हैं, जी वही हैं, कुछ जी भी नया नहीं है, सिर्फ एक दो चीजों के नाम न्यू रखे हैं इन्होंने और कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप लोगों के पास अगर टेबुलर फॉर्म है तो उसको उन्होंने न्यूमेरिकल फॉर्म कह दिए, और अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है तो उसको नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म कह दिए, ठीक है, और कोई भी फर्क नहीं है, बस ये दो चीजें मेरा ख्याल नहीं है और कुछ भी नया नहीं है, एक्सरसाइज। अच्छा जी किसने पढ़ा है और वो मुझे थोड़ा सा बताए क्या हो रहा है। बेशक देख देख के पढ़ पढ़ के बता दो समझा दो कौन करेगा। जी हाँ जी बोला कौन था लड़की में से। जी मैम इसमें ये सारी बातें बताई हुई है, यूनियन कब हम ले सकते हैं, इंटरसेक्शन और एमपीटी सेट के बारे में बताया हुआ है, और सेट को रिप्रेजेंट करने की सारी बात वेज तीनों बताए हुए हैं, और सेट के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन बस थोड़ा सा घुमा के वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करके लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे बकाया ही, सारी सिर्फ बेसिक वही वर्डिंग बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ वर्डिंग घुमाई हुई है, बाकी सेम टू सेम वही चीजें हैं, मतलब भी वही है, बस वो जी कान उन्होंने सीधा नहीं जी पकड़ा, जी जी घुमा के पकड़ लिया। ज्यादा ही घुमा के पकड़ लिए। अच्छा फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें तो वही कह रहे हैं जी, हम जो सेट जो है वो उसका सेलेनियम एज अ क्लास में कलेक्शन भी यूज करते हैं, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने मेंबर्स की बात की है कि जो मेंबर जो सेट के अंदर चीज़ें होती हैं हम उनको उसके मेंबर्स कहते हैं, ठीक है, और हम ये एक्स कंटेन्स ए का जो एप्साइलन का जो साइन है उसको हम ये कहते हैं जी कि ये कंटेन कर रहा है कि ये मेंबर है उसका उस सेट का, ठीक है, उसके लिए हम एप्साइलन का वर्ड सॉरी ये सिंबल यूज़ करते हैं, जो ये सिंबल है उसको हम एप्साइलन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं जी कि एक और भी प्लेजेंट सी नोटेशन है सेट को डिस्क्राइब करने के लिए, बाय इन्यूमरेटिंग इट्स नंबर, इन्यूमरेटिंग इट्स नंबर विद अ पेयर ऑफ ब्रेसेस, मतलब नंबर्स को लिख नंबर फॉर्म में लिख के, ठीक है, वही यानी कि जो न्यूमेरिकल फॉर्म जिसे हम आम वर्ड्स में टेबुलर फॉर्म भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म भी होती है जिसमें हम सेट को लिख सकते हैं, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, जैसे इसने एग्जाम्पल दी हुई रोमियो जूलियट हिटलर मुसोलिनी और स्टालिन, इस तरह से, ठीक है, जो वर्ड्स में लिखा जाएगा वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है या उसको आप नॉन न्यूमेरिकल कह सकते हो, और जिसमें उसने नंबर्स में लिखा हुआ है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म कह सकते हो या टेबुलर फॉर्म कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो बता रहा है कि जी नंबर्स को जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना बाज़ का मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा जो है क्या करते हैं सेट को नंबर्स की फॉर्म में जो है वो शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे थे डॉट्स आ जाते हैं, जैसे किस एग्जांपल में वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है, और अगर डॉट्स ना हों और अगर डिजिट्स पे तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है, और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हों वो हमारा क्या होता है फाइनाइट सेट होता है, और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों वो क्या होता है इनफाइनाइट सेट होता है। ये सब चीज़ें आप लोग पहले कर चुके हो, आप लोग मुझे बार बार बता चुके हो, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको फॉर ग्रांटेड लेके चल रही हूँ कि बहुत बेसिक चीज़ है। अच्छा अब कह रहे हैं हम किसी सेट को जो है वो किसी उसके मेंबर्स के क्राइटेरिया के लिहाज से भी लिख सकते हैं शो कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर वो कोई कंडीशन दे दे कि आपके पास एक सेट ए है जिसमें सारे इंटीजर्स एक्स हैं जो कि 1 से 9 तक हैं, और वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्स के -5x=14, यानी कि वो इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम 1 से लेकर 9 तक जो है जितने एलिमेंट्स हैं उनको पुट करके देखेंगे, और जो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो जो इस इक्वेशन को सेट करेंगे वो इस
सेट के मेंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब वो अगली बात यही कर रहा है, द सेट ए कैन बी मोर क्लोजली आइडेंटिफाइड बाय टेस्टिंग ईच ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 इन टर्न। अब कह रहा है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इसके मेंबर्स को या नंबर्स को, हम 1 से लेकर 9 तक जो है बारी बारी सब नंबर्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इट वुड बी मोर एफिशिएंट टू सॉल्व द इक्वेशन एंड देन कीप ओनली दो सॉल्यूशंस व्हिच आर इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 9। कहता है सॉल्व सबके लिए करना है लेकिन हम सिर्फ कंसिडर उनको करेंगे जो हमारे पास इंटीजर्स होंगे 1 से लेकर 9 तक। अच्छा कहता है वी एडमिट द पॉसिबिलिटी दैट अ सेट मे हैव नो मेंबर्स एट ऑल। अब ये एम्प्टी सेट की बात कर रहा है, कहता है ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी सेट में कोई मेंबर ना हो, ठीक है, या वो मेंबर लेस हो, और अगर कोई सेट मेंबर लेस हो तो उसे क्या कहते हैं, वो हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है। और उसके लिए जो हम यूजुअल नोटेशन जो है वो शो करते हैं वो ये सिंबल है जिसको हम फाई भी कहते हैं। अब कहता है इसका जो पॉपुलर ऑल्टरनेट नेम है वो क्या है, नल सेट भी है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट और अ सेट व्हिच इज मेंबरलेस इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और अ नल सेट, ठीक है। तो अभी तक कोई भी बात मुश्किल नहीं थी और मैं हैरान हूँ किसी ने बोला क्यों नहीं कुछ कि मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है या मैं बताती हूँ, क्योंकि सारी बातें वही हैं। ओके इसके बाद कह रहा है ऊपर वो बात कर रहा है जिस एम्प्टी सेट की के जैसे उस दिन भी शायद किसी ने डिस्कस किया था कि एम्प्टी सेट में जब कोई एलिमेंट होता नहीं है तो वो सेट कैसे होता, तो वो ये सारी डिस्कशन उसके बारे में हुई हुई है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है अब नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इट इज़ हाईली डिजायरेबल दैट इट कैन बी इट बी डिफाइंड फॉर एनी टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स दो सेट्स के दरमियान जो है वो डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब फॉर दिस टू बी द केस व्हेन टू सेट्स आर डिसजॉइंट, ये तब है जब सेट्स हमारे क्या हों, डिसजॉइंट हों, यानी कि उनके कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। जब दो सेट्स के आपस में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो तो उनको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, ठीक है। और वो उनका यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एन एम्प्टी सेट। अब द नंबर जीरो प्लेज अ समवट सिमिलर रोल रिलेटिव टू द पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर सेंचुरीज ह्यूमैनिटी गॉट अलोंग विद सिनेबली व्हाइल वाज जस्ट द पॉजिटिव इंटीजर्स बट देयर वाज अ डिस्टिंक्ट इंप्रूवमेंट इन द ऑप्शन। ये तो ऐसी फिजूल बातें लिखी हैं। Can I do not confuse the set X whose only member is X with X itself, however the danger that such will cause serious trouble may exaggerate the possibility of confusion. अच्छा ये जो सारा हम पढ़ रहे हैं ना ये सिर्फ जनरल बातें हैं, ठीक है। इसको आपने ये नहीं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद ही करना शुरू कर दो या कुछ। मैंने आप लोगों को पहले बेसिक्स पढ़ने का जो कहा था वो इसीलिए बोला था कि आपको अगर क्वेश्चन आता भी है तो बेसिक्स उनमें से आएगा जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, जैसे कि सेट की डेफिनेशन हो गई, उसकी नोटेशन हो गई, उसको हम कितने वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हो गई, और इसके अलावा उसकी टाइप्स हो गई, उसके ऑपरेशंस हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, इसके अलावा डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। अगर क्वेश्चन आएगा तो वो उस चीज़ में से आएगा। ये जो थ्योरी है थ्योरी याद नहीं करनी, ठीक है। थ्योरी में से सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है उनको यूज़ करना है आपने और उनको आपने माइंड में रखना है। ये नहीं है कि पेपर के लिए या आप कोई भी असाइनमेंट के लिए या टेस्ट के लिए क्वेश्चन के लिए आप लोग जो है वो थ्योरी लिखना शुरू कर दो। थ्योरी नहीं लिखनी। मैं ज़्यादातर मैथमेटिकल चीज़ों पे रिलाई करती हूँ और थ्योरी से सख्त नफरत है, इसलिए थ्योरी को आप लोगों ने इग्नोर करना है। इग्नोर मीन्स कि सिर्फ पढ़ना है और जो उसमें से कॉन्सेप्ट है उसको आपने फेच करना है, थ्योरी पूरी की पूरी याद नहीं करनी। अच्छा जी उसके बाद क्या कह रहा है, कंसिडर द सेट्स। अब कह रहा है आप ये वाले सेट्स देखें ज़रा, ये फाई है और एक के अंदर सेट के अंदर फाई है और एक सेट के अंदर जो एक सेट है उसके अंदर फाई है। द फर्स्ट हैज़ नो मेंबर, कहता है फर्स्ट का कोई मेंबर नहीं है। द सेकंड हैज़ एग्जैक्टली वन मेंबर, अब इसमें क्या है, एग्जैक्टली वन मेंबर है। एंड द थर्ड हैज़ एज इट सोल मेंबर द सेट ऑफ हूज ओनली मेंबर इज फाई। कह रहे हैं ये सेट के अंदर भी सेट है जिसका सिर्फ सोल मेंबर क्या है, फाई है। सोल मीन्स क्या, up to conclude this section we discuss the inclusion of one set in another and the equality of two sets
इंक्लूजन्स मीन इंक्लूडेड, या जिसको हम सबसेट कहते हैं, अब वो बात हो रही है. We say that A is included in B and write A is subset of B if every member of A is a member of B. कहते हैं जी A B में included है, या हम पहले अपनी जो बुक्स में पढ़ते हैं वो A contain करता है B को, ये वाला वर्ड यूज करते हैं contain का. अब उसे contain की जगह जो है वो just included का वर्ड डाल दिया. A is included in B, write A is subset of B if every member of A is a member of B. कहते हैं अगर हर member एक set A है हमारे पास, उसका हर मेंबर हमारे पास किसी दूसरे सेट बी का भी मेंबर हो, तो इसका क्या मतलब है कि ए इज इंक्लूडेड इन बी. इक्वली पॉपुलर इज इट इज द टर्मिनोलॉजी ए इज कंटेन्ड इन बी, वो दूसरा नाम बता रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी. अब इक्वालिटी ऑफ ए एंड बी इज अलाउड, कहता है जी ऐसे भी हो सकता है कि ए और बी जो है वो हमारे पास इक्वल हो, या इनकी इक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती. कैसे? अब कह रहे हैं सम ऑथर्स एम्फसाइज दिस बाय यूजिंग द नोटेशन दिस, नीचे कंटेन के साइन के नीचे ये एक लाइन डाल देते हैं, ठीक है, या ये टू लाइंस आ जाती हैं. इट इज़ ऑन द थ्योरी दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुड गेट द सिंपलेस्ट नोटेशन दैट वी आर यूजिंग. On the infrequent equations when we must carefully note that equality is excluded, we shall either put it verbally, A is properly included in B, or use the admittedly clumsy notation, this one. अब वो proper और improper sets की बात कर रहा है, ठीक है, जिसको आप already बहुत ज़्यादा discuss कर चुके हो. In the preceding paragraph, we took equality of sets as self-explanatory. Of course, two sets are equal precisely when they have the same members. कहते हैं दो सेट्स कब इक्वल होंगे, जब उनके मेंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे. वर्ड्स एडिंग इज द फॉलोइंग इक्वली ऑब्वियस फैक्ट, इफ ए एंड बी आर द सेट सेटिस्फाइंग ए इज इंक्लूडेड इन बी एंड बी इज इंक्लूडेड इन ए, देन ए इज इक्वल्स टू बी. कहते हैं दो सेट्स कब इक्वल कंडीशन बता रहा है कि जब ए बी में इंक्लूड करा होगा और बी ए में इंक्लूड करा होगा. Why bother to mention this at all? One's answer is that it is helpful in providing that two sets are equal. कहता है दो सेट्स की इक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूफ करना चाहेगा पड़ेगा कि ए जो है वो बी में कंटेन कर रहा है और बी जो है वो ए में कंटेन कर रहा है, ठीक है. लेकिन मेरा लैपटॉप ना बंद हो, बिल्कुल डेड एंड है. ओके, ऑफ कोर्स इफ यू आर एबल टू सी एट अ ग्लांस दैट that x belongs to a whole if and only if x belongs to b, does. कहता है यानी कि कोई member x है a का जो a में भी है और b में भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a is equals to b has been forthwith established. But in a situation of sufficient complexity it may be wise strategies to separate the problem into two halves. कहता है हम member wise भी इसको prove कर सकते हैं, ठीक है, और हम पूरे सेट को लेके भी कर सकते हैं कि दो हाल्स में कर रहे हैं उसको, कि हम कह रहे हैं जी इसके एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स बी में भी हैं और बी के एलिमेंट्स ए में भी हैं, ठीक है, जैसे देखिए, या हम मेंबर वाइज उसको डिस्कस कर लीजिए, जैसे कि उसमें तीन मेंबर है, पहला मेंबर देखा जाए जी वो ए से बिलोंग कर रहा है, फिर देखा जाए वो बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर दूसरे मेंबर की तरफ आए वो ए से बिलोंग कर रहा है, फिर उसमें हम ये चीज़ नोट करें कि वो बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा. Such a proof looks as follows. We will show that x belongs to A implies x belongs to B, and that x belongs to B implies that x belongs to A. Later we shall several examples of proofs in this style. Yes, Ali Raza, you raised your hand. What happened? Ali Raza, क्या हुआ है? चलो पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूँ फिर देखते हैं. वी रिकॉर्ड द ट्रांजिटिविटी ऑफ इंक्लूजन. ट्रांजिटिविटी क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक है. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मीन्स तीन सेट्स अब आ गए हमारे पास,
ट्रांस निकला है तीन. If A contains in B and B contains in C, then A contains in C. We dismiss this as too trivial for a format proof. कहते हैं जैसे वही बात है कि अगर A B के equal है, B C के equal है, इसका मतलब है A C के equal है. तो वो यही बात कर रहा है कि अगर A B में contain करता है और B जो है वो C में contain करता है, तो इसका मतलब है कि A भी हमारा C में contain करेगा. और कहते हैं इसका हम proof इसलिए नहीं करते क्योंकि ये एक general बात है trivial proof. और trivial means के यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, जैसे जो मानी हुई बातें होती हैं कुछ, ये उस तरह का प्रूफ है. इफ बी कंटेन्स ए, वी सी दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए. ऑब्जर्व दैट एनी सेट ए हैज द ऑब्वियस सबसेट्स फाइ एंड ए. अब वो पावर सेट की आगे बात करने लगा है कि हमारे पास अगर कोई भी सेट है तो उसके दो सेट सबसेट्स तो ऑब्वियस होते हैं, एक एम्प्टी सेट यानी कि फाइ और एक वो सेट फोर, यानी कि हर सेट के दो सबसेट्स तो होते ही हैं. द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए. और ऐसा सेट जिसमें हम किसी सेट के जो हैं वो सारे सबसेट्स लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए. और उसके लिए नोटेशन हम पी ऑफ ए यूज करते हैं. इधर तो उसका फॉर्मूला मेंशन नहीं है लेकिन आप तो फॉर्मूला भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चीज का. ओके, ऑन ओकेजन वी शैल रिवर्स एंड चूज एन सिंपल ए इंक्लूड्स बी और ए कंटेन्स बी इज इक्विवेलेंट टू बी कंटेन्स ए. नॉट एंटायरली कंसिस्टेंटली वी ऑल्सो से दैट ए contains x when x is a member of a instead of a subset of a. अच्छा ये आगे जो है ये हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है, ठीक है. और अब ये एक्सरसाइज जो है वो आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं कराऊंगी. ये सारी जनरल सी बातें, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करनी है एक्सरसाइज. और करके मुझे ये सिर्फ इसके 7 तक जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, ठीक है. करके तो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में सेंड करने हैं, या सारे गर्ल्स जी आर को सेंड कर दो, सारे बॉयज सी आर को सेंड कर दो, देन ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो. ग्रुप की सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक हो गया. मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ कि आप लोगों ने इसकी ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाना. जो सेट्स की बेसिक चीज़ें हैं, जो मैथमेटिकल फॉर्म्स आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं और जो हम पहले वीक्स में डिस्कस करते आए हैं, आप लोगों ने उसी पर फोकस करना है. क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं से रिलेटेड आएगा. ये सारी वही बातें थी, सिर्फ ये थ्योरेटिकल फॉर्म में आप लोगों को मेंशन थी. उसके बाद आ गई है एक्सरसाइज. नेक्स्ट जो है आपकी एक्सरसाइज है प्लस, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो ऑपरेशंस ऑन सेट है. पेज नंबर 4, 5 एंड 6 आप लोगों ने पढ़ के आना है. मंडे को मैंने इसमें से क्वेश्चनिंग करनी है, मंडे और ट्यूजडे, सॉरी ट्यूजडे को. और मैम ये जो 7 क्वेश्चंस हैं ये कब तक सेंड करने हैं? ये संडे तक कर लो, कोई नहीं, छोटे छोटे हैं. ओके, यस मैम, छोटे बेसिक ही हैं. हाँ बेसिक ही हैं ये सारे, ठीक है, संडे तक कर देना मुझे. और ये 4, 5, 6 पेज पढ़ के आना है. मैंने इसमें से आप लोगों से क्वेश्चन करनी है, आप लोगों ने समझाना है मुझे बोल बोल के, क्योंकि आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि जो ऊपर वाला है वो भी सारा वही था जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है. तो इस तरह बोल बोल के समझाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हो, 7th सेमेस्टर में हो, ठीक है. तो इस तरह ये है कि साथ साथ वो जो क्राइटेरिया ना प्रेजेंटेशंस का और क्विजेस का वो भी पूरा होता जाएगा, मतलब हर एक की टर्न भी आती जाएगी और मुझे आइडिया भी होता जाएगा. और जो हाँ जितनी पार्टिसिपेशन जो करेगा वो तो मेरी नज़रों में आ ही जाएगा, तो उसके लिए अच्छी बात होगी जो नज़रों में आ जाता है. नज़रों में मीन्स गुड बुक्स में, ठीक है. ये ना हो कि आप लोग ऐसे काम करो कि गलत टाइप वाली नज़रों में आ जाओ, ठीक है. तो और बाकी जो थर्सडे का जो इशू है इसे देखते हैं, क्या हम 8 से 9 या तो इसको कर लें, या हम ये वाले जो टाइम है 12 से 1 वाला, अगर मुझे इसकी इजाज़त मिल जाती है तो. जिनका एकेडमीज का इशू है या जिनका टोपोलॉजी का इशू है वो मुझे अपने नाम सेंड कर दें, CR या GR आप लोग ग्रुप पे सेंड कर दें जिनके इन्वॉल्वमेंट्स हैं, ठीक है. लेकिन उनके अलावा बाकी सब क्लास में मौजूद होने चाहिए. अभी सैफुद्दीन ने रेज किया था हैंड, जो क्वेश्चन करना होता है कर लिया करो. आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को. जल्दी बोलो, मेरा लैपटॉप बंद हो जाना है. किसी ने कोई बात पूछनी है? हाँ जी. नो मैम. क्लियर है? यस मैम. यस मैम. ठीक हो गया.
तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ट्यूसडे को पेज नंबर 4, 5, 6 मुझे नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आप लोग खुद पढ़ोगे, मुझे पढ़ाओगे बल्कि, ठीक है? और जो अच्छे बच्चे हैं वही पढ़ाएंगे, जो गंदे बच्चे होंगे वो नहीं पढ़ाएंगे, मुझे पता है। और जो गंदे बच्चे होंगे बस फिर वो खैर में आ लें, गंदे बच्चे मेरी नज़र में वो हैं जो पढ़ते नहीं है। आगे वेन डायग्राम्स हैं, बस ऑपरेशंस हैं, यूनियन इंटरसेक्शन, ये सारी वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सब कुछ वो है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है? यस मैम। हाँ जी, तो इसमें कुछ भी नहीं आनी है, सारी चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन है, बस उसको वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो डिस्कस किया हुआ है, कलरिंग के थ्रू। चलें ठीक है जी, अब मेरा लैपटॉप बहुत होने लगा है तो उससे पहले हम लोग चले जाते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह मिलते हैं ट्यूसडे को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करोगे और मेरा दिल खुश कर दोगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस वीकेंड, ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह।